इस वक्त न्यूज लाइव राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जोशी। गोविंदगढ़ के डोरसड़ से बड़ी खबर, छत के ऊपर गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया युवक, बिजली का करंट लगने से युवक की हुई मौत। मृतक राम किशोर कुमावत था डोरसर गांव निवासी। परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप। शव का चोमू अस्पताल में करवाया जा रहा है पोस्टमार्टम। जयपुर जिले के गोविंदगढ़ थाना इलाके में डोरसर गांव में एक युवक की बिजली का करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक राम किशोर कुमावत डोरसर गांव निवासी बताया जा रहा है। मृतक सुबह मकान की छत पर किसी काम के लिए गया था, वहीं छत से गुजर रही हाई टेंशन बिजली की लाइन की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। बाद में गंभीर हालत में उसे गोविंदगढ़ सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पे चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को चोमू के सरकारी अस्पताल में रखवाया गया है, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। इधर परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि कई बार विभाग को लाइन को हटवाने की शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके लाइन नहीं हटाई गई।